गाइस आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आपका कमेंट आ रहा है कि सर हमें भी थंबनेल बनाना सिखा दीजिए जिस तरीके के आपके थंबनेल हैं। तो ये वीडियो देखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये थंबनेल बनता है और आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये टेम्पलेट होता है, उसमें आपको बस एडिटिंग करना है। तो ये कहाँ मिलते हैं पूरी नॉलेज देंगे, ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन देगा उस पर क्लिक करें जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें, एक ये देखिए इस तरीके का थंबनेल, एक ये देख लीजिए, तीन से चार थंबनेल बनाए और आपका कमेंट आया कि सर हमें इस तरीके का थंबनेल बनाना सिखा दीजिए। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता तो आप अच्छे से थंबनेल नहीं बना पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका बैकग्राउंड में ब्लैक हो तो उसके ऊपर आप येलो लिखने की कोशिश करिएगा, जब बैकग्राउंड में आपका रेड हो उसके ऊपर व्हाइट लिखने का कोशिश करिएगा। अब ये दोनों अपोजिट चलते रहते हैं, जैसे बैकग्राउंड में रेड है मतलब व्हाइट है तो उसके ऊपर आपको रेड लिखना है, तो और इसी तरीके से आपको वर्क करना है। जब बैकग्राउंड में आपका नीला है तो आपको उसके ऊपर व्हाइट लिखना है, और जब व्हाइट है तो उसके ऊपर नीला भी लिख सकते हैं, और जब उसके ऊपर ब्लैक है, बैकग्राउंड ब्लैक है, ब्लैक है तो येलो तो लिख ही सकते हैं, ग्रीन है तो उसके ऊपर आप ब्लैक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको आपके पास एक ऐप होना चाहिए, कैनवा का ऐप जो प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको किस तरीके से थंबनेल बनाना है एक एक स्टेप आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम और चीजें बता दें कि उसके लिए आपको आपकी फोटो लगेगी। तो आप एक अच्छी सी फोटो इस तरीके से खींच लीजिएगा, उसके बाद उसको रिमूव कर देना है। बीजी रिमूवर एक ऐप आता है, वो भी प्ले स्टोर पर फ्री है, आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा और डायरेक्ट उसमें लगाइए और वो आपको सीधे बैकग्राउंड हटा के दे देगा। फिर उसका फोटो का आपको यूज करना है क्योंकि फोटो भी लगाना जरूरी होता है। देख लीजिए इसमें भी मेरे फोटो लगी, इस थंबनेल में भी लगी और एक और थंबनेल इसमें भी, देखिए तीनों थंबनेल में फोटो लगी। तो इस तरीके से कैसे फोटो लगाना है ये बताएंगे और इसमें कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है हर चीज आपको बताने वाले। ये आपको टेम्पलेट कहाँ मिलेंगे, किस तरीके का टेम्पलेट आपको लेना चाहिए, यानी पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, किस तरीके से इसको एडिट करना है या किस तरीके से इस पर वर्क करना है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, आपको कम समय में आपको बहुत ही अच्छा थंबनेल बनने को देखने को मिलेगा। थोड़ा और आपको बताना चाहेंगे, जब उस थंबनेल को आप कैनवास से निकाल लेंगे, निकालने के बाद वो कम एमबी में होता है, कम से कम 400 KB 500 KB, फिर उसको आपको पिक्सल लैब में लेके जाना है, फिर उसको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अभी हम आपको बताएंगे उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देनी, फिर उसको अल्ट्रा एचडी में निकाल लेना, कम से कम वो आपका 2 MB का हो जाएगा, यानी आपका थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। अभी जैसे आपने कम अपलोड किया तो उसमें थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, जब आप एमबी उसकी बढ़ा देंगे थंबनेल की तो थंबनेल आपका बहुत ही अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाता है, एट्रैक्टिव दिखेगा। तो उसके लिए यही करते हैं कि कैनवा में वो रुपए मांगता है तो उसके लिए जुगाड़ ये, उससे थंबनेल बना के आपने निकाल ली, उसके बाद उसको पिक्सल लैब में ले जाके वहां से अल्ट्रा एचडी में उसको निकाल लेना, तो आपका 2 MB का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका थंबनेल अच्छा हो जाएगा और आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से थंबनेल बनाना, सारी चीजें आपको इसमें बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके, तो आपको प्ले स्टोर से कैनवा इंस्टॉल कर लेना, ये रहा कैनवा ऐप, ठीक है। जो हमने आपको थंबनेल बताया था सेम उसी तरीके से आपको हम बनाना सिखाएंगे। तो ये अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको यहाँ सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, इसको आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये देखिए टेम्पलेट आपको यहाँ फ्री पर, ये पेड है इसको आपको नहीं छूना है। आपको बताते हैं किस तरीके के जो फ्री होंगे उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज करना है ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए कौन कौन फ्री हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये एक फ्री है, ठीक है, ये वाला येलो वाला एक ये फ्री, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ये पेड है। आपको और दिखा दें, इसमें मतलब टेम्पलेट आपको फ्री प्रोवाइड मिल जाते हैं, जैसे ये वाला टेम्पलेट है इसका आप यूज अच्छे से कर सकते हैं, इस वाले का आपको बस डिजाइनिंग आनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे ये टेम्पलेट है इसको आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए इसमें, और आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो को यहाँ से इसको हमने हटाया, ठीक है, ये हटा दी, इसको भी हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो अपनी ले लेते हैं जो हमने अपलोड, यहाँ से अपनी फ़ोटो को कर लेना है। देखिए हमने यहाँ अपलोड कर रखी है ये वाली, इसको हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार और हम कॉपी कर लेंगे, तो ये दो बार हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको हम इसके बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से, और इसका हम कलर चेंज कर देंगे, ये वाला कलर इसका हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा येलो में, मतलब इसके बीच में रखोगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा,
इस तरीके से आप इसका टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को लेना है, चलिए इसको अलग कर देते हैं, इसको पहले हम अपनी फ़ोटो को फिक्स कर देते हैं। ये फ़ोटो फिक्स हो गई, नहीं थोड़ा सा कट कर देते हैं यहाँ, फिर उसके बाद इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस फ़ोटो को भी आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बाहर इसको लाना चाहें इधर इस तरीके से, और इस तरीके से आप टेम्पलेट बनाएंगे, आपके बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब देखिए इधर आप लिखना चाहें, इसको हटाना चाहें आप हटा सकते हैं, नहीं तो इस पर ही एडिटिंग करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट किया, इसको हम नीचे लगा देंगे, ये छोटी सी बिंदी दिख रही है, थोड़ा इसको हटाओ और इसको हम, चलो इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इधर हमें डिजाइनिंग करनी है, ये इधर रख देंगे, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। इधर अब हमें कुछ और लगाना है, इसको भी हम थोड़ा सा इधर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसी में डिजाइनिंग आपको ऐसी करनी है, अपनी डिजाइनिंग जो देखने में अच्छी लगे, इसको स्क्रॉल करके इस तरीके से कर देना है। ठीक है, यहाँ लगा दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको इस पर प्लस पे दाना है, एलिमेंट में जाना है, इसी तरीके से ये थंबनेल बनाए जाते हैं, आपको इस तरीके का ये ले लेना है, इसको आपको इतना स्क्रॉल करके, ये थोड़ा अच्छा नहीं तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, इधर इसको खोलना है, यहाँ पर आपको सेव के नाम से बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, हमने इसमें से ले लेते हैं ये वाला, ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसके साइज को हम वाइट कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, तो इसके अंदर आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये नहीं हो रहा तो इसको हटाओ, दूसरा लेंगे क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसमें से हम ले लेते हैं ये वाला, ये ठीक है, इसको साइज को जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हैं, तो हम उठा के इसको इतने में लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके इसको इतना किया, और ये इसमें आप जो लिखना चाहें इसमें लिख देना है, उसके बाद आप इसमें और लिखना चाहें, इसका डिज़ाइनिंग करना चाहें तो इसको डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसको डिज़ाइनिंग कर देते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर वाइट किया, मतलब यहाँ आएगा तो इसका हमने ये कर दिया, ये कलर दे दिया, उसके बाद कलर इसके अंदर का देना है हमें वाइट, और इसकी भी जो भी इसके अंदर लिखना है हमें, मतलब उसे रेड से, तो आप इस पे दाबना है, लिखने के लिए आपको टैक्स पे दाबना होगा, टैक्स पे दाबने के बाद इधर दाबना होगा, इधर आप लिख सकते हैं एजुकेशन, जो भी आप लिखना चाहें, और इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर और फॉन्ट दोनों चेंज होंगे, ये हो गया ये, उसके बाद इसका कलर फॉन्ट यहाँ से चेंज करें, फॉन्ट आप ध्यान रखिएगा ये वाला आपको बता दें कौन सा है, ये पॉप बोल्ड वाला आप यूज करना, बहुत ही अच्छा होता है ये, इसको यहाँ रख देना, आप इसको फ्लॉप कर सकते हैं। ठीक है, होने के बाद आप और इसमें से जो लेना चाहें, इसमें और डिज़ाइनिंग करना चाहें तो और कर सकते हैं, यहाँ से सेव लेके एलिमेंट लेके, देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए गए हैं, तो आप कोई भी इसमें एलिमेंट लेके उसका यूज कर सकते हैं, जैसे ये रहा एलिमेंट, इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, इधर से इसको घुमा दिया, ये तो इसको हटाओ, दूसरा ले लेते हैं, एलिमेंट बहुत सारे दिए गए, जो आप यूज करना चाहें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इधर देख लीजिए, इधर ये दिए गए हैं, कोई भी आप अच्छा लगे आप उसमें से ये एलिमेंट देख लेते हैं, ये दिया गया है, इस साइज को इस तरीके से, इसको साइज को हम कर देते हैं ब्लैक, तो वाइट अच्छा दिखेगा इस पर, तो इस तरीके से साइज को बढ़ा देना, इसमें आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ तक, और इसके पीछे भी कर सकते हैं, जो मेरे इसके पीछे भी कर सकते हैं, इसके जाने के बाद आपको मोर पे जाना है, इस पर दाब देना है, हो गया इसके पीछे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से आपकी और डिजाइनिंग अच्छी से दिखने लगेगी, अभी देखिए ये तो इतना ही हुआ है, आपका कम देखने को मिल रहा है, इसमें और जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, और आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिखना हो इस ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते हैं इसके बाद, इसमें इधर देखिए, हम आपको इधर लिख ऐसी रख रख के दिखा दे रहे हैं डिज़ाइनिंग करके, ये हो गया। ठीक है, इसमें आप दो बार लिख सकते हैं, लाइनिंग के लिए आप एक लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट में जाना है, ये देखो लाइन दिख रही है, ये एक लाइन लेके इधर आपको लगा देनी है यहाँ से, और इसके पीछे कर देना है इस फोटो के, तो आपको मोर पर जाना है और इस पर दाब देना है, इसके पीछे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप इसको आगे करना, या तो आगे कर दो, नहीं तो इतना करना चाहो तो इतना कर दो, इसको ऊपर बढ़ा के लिख दो। ठीक है, इसके बाद इसको इसमें भी लिखना है, ये देखिए हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप इसमें जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, टाइम बढ़ना बहुत ज़्यादा जाएगा, ये हो गया, इधर भी लिख सकते हैं, लिखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। फिर उसके बाद और आप कहाँ लिख सकते हैं,
इसको कॉपी करते हैं और इधर भी आप लिख सकते हैं इधर, ठीक है। इसको इस तरीके से करके ऐसे थोड़ा इस तरीके से करके आप इधर भी लिख सकते हैं इसका। जब ये येलो ग्रीन है तो इसके ऊपर मतलब ब्लू है तो इसके ऊपर वाइट लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इधर आप फोटो लगाना चाहें तो फोटो लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, इसको बाहर आ जाते हैं। जैसे एजुकेशन हमने डाला, एजुकेशन तो इसमें बहुत सारे आपको आइकन मिलेंगे, इनका आइकन का आप यूज करना चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, जिधर लगाना चाहें उधर लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको HDM कैसे बना। ये तो हमने डिजाइनिंग ये फ्री मिलते हैं, बस आपको इस तरीके से यूज करके बढ़िया थंबनेल बना लेना है। हमने आपको इसमें ये बताया किस तरीके से डिजाइनिंग करनी है, आप समझ गए होंगे। इसमें फ्री देखिए कौन सा अच्छा, उस तरीके को निकाल के जिसमें डिजाइनिंग अच्छी दी गई उसको निकाल के अपनी डिजाइनिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद भी आपको बताएंगे आगे क्या करना है। यहाँ से ये अब सेव होगा, मतलब डाउनलोड होगा। अब ये जो आपका है ये बहुत ही कम MB में होगा, इसको आपको HD करना होगा। HD करने के लिए आपको क्या होना करना होगा, देखिए डाटा खत्म हो गया है, कोई नहीं, ये हो गया। यहीं से डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट करना है पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब में चले जाना है, इसको डन कर लेना है। अब ये छड़ी सी दिख रही, इसमें आपको थोड़ी डिजाइनिंग कर देनी है। यहाँ से आप और कुछ लिखना चाहें तो और कुछ भी लिख सकते हैं इसके, ये देखिए इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से कर देना है, ये कर दिया, इसको भी बढ़ा देते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है, अपने के हिसाब से वैसा जैसा करना है। इसको थोड़ा और नीला करना चाहें, ये तो फिर मेरी फ़ोटो सही नहीं दिखेगी, तो उसका ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से आपको सेव जाना है, सेव इमेज जाना है, आपको डिफ़ॉल्ट में जाना है और अल्ट्रा पे दाब देना, और जैसे ही आप इस पर दाबोगे आपकी फ़ोटो ये सेव हो जाएगी। अब देखिए आपको फ़ोटो दिखाते हैं जो मतलब बन के आई है, आल आ गए, ये देखिए ये तो अभी बन के आई, इसको खोलते हैं डिटेल देखते हैं, ये 1 MB के ऊपर है और ये देखिए ये 326 KB की है, तो इसीलिए बोले तो वहाँ से आपको इसको HD कर लेना है। जब HD कर लोगे आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई होप आप समझ गए किस तरीके से इस थंबनेल को बनाना है और इसमें कैसे इम्पोर्ट करना है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ इस पे दाबने के बाद इधर ओके किया, क्योंकि पता ही नहीं साइज पे जाना है, साइज के बाद कस्टम पे जाना है, यूट्यूब बैनर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको डिलीट करके फिर इस पे जाना और ये जो दिख रही गैलरी, यहाँ से आपको इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इस पे दाबोगे और ये आ गए आप, ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया डायरेक्टली, सब कुछ बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लें, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको ये थंबनेल इस तरीके से बनाना हो तो आप बनाना सीख सकते हैं, आई होप समझ गए होंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।